कृषि कानूनों के विरोध में किसानों को एकजुट करने के लिए राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में पिछले दो दिनों से सभाएं कर रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी शनिवार को वीर तेजाजी मंदिर पहुंचे। अजमेर जिले के दौरे पर रूपनगढ़ में किसान महापंचायत में शामिल होने से पहले राहुल ने यहां वीर तेजाजी मंदिर में दर्शन किए और पूजा अर्चना की। उनके साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश प्रभारी अजय माकन और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी नजर आए। राहुल गांधी शनिवार को सूरतगढ़ से किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुंचे थे। यहां से सड़क मार्ग के जरिए उन्हें सुरसुरा लाया गया। यहां तेजाजी मंदिर पुजारी मनोज सैनी ने उन्हें विधि विधान से पूजा अर्चना करवाई। इसके बाद माला और दुपट्टा उठाकर उनका सम्मान किया गया। इसी दौरान मंदिर परिसर में ही वीर तेजाजी के जयकारों के साथ साथ राहुल गांधी के जय हो के नारे भी लगे। आपको बता दें कि तेजाजी महाराज राजस्थान के लोक देवता हैं। किसान और जाट समुदाय में विशेष तौर पर वीर तेजाजी को लेकर गहरी आस्था है। ऐसे में किसानों को केंद्र सरकार के खिलाफ एकजुट करने में पुरजोर कोशिशों के बीच राहुल का तेजाजी महाराज की शरण में जाना भी लोगों को आस्था से अधिक सियासी नजर आ रहा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी की ओर से इस पूजा अर्चना के पीछे राहुल गांधी का किसानों और राजस्थान की खुशहाली की कामना बताया गया है।